पिछले वीडियो में हमने जीवन रेखा के बारे में विस्तार से पढ़ा था। आज हम ऐसी रेखा के बारे में पढ़ेंगे जिसे जीवन रेखा के लिए सहायक रेखा के बारे में जाना जाता है। इस रेखा का नाम है मंगल रेखा। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही उठता है कि इसे मंगल रेखा क्यों कहते हैं। मंगल रेखा मंगल के क्षेत्र से पैदा होती है। तो हम यहां देखिए कि अंगूठे के मूल भाग में जो ये ऊपर का क्षेत्र है, ये मंगल का क्षेत्र कहा जाता है, निम्न मंगल का क्षेत्र कहा जाता है इसको। इस निम्न मंगल के क्षेत्र में से जो रेखा निकलती है, इस रेखा को कहा जाता है मंगल रेखा। ये मंगल के क्षेत्र से निकलकर जीवन रेखा के साथ साथ निकलती है। अगर आपको किसी हाथ में एक ऐसी रेखा दिखाई दे जो कि जीवन रेखा से निकलकर उसके साथ जा रही है, तो यह मंगल रेखा नहीं होगी। सामान्यतः इसे दोहरी जीवन रेखा के रूप में माना जाता है। लेकिन अगर जीवन रेखा दोहरी जीवन रेखा हो तो इसका एक विशेष फल जो रहता है कि जीवनी शक्ति दुगनी हो जाती है, ऐसा व्यक्ति कम रोगी होता है और उत्साह काफी अच्छा होता है। लेकिन इसको छोड़ दें, हम बात करते हैं मंगल रेखा की। तो मंगल के क्षेत्र से निकलने वाली रेखा, इसके लिए कुछ शब्द जो प्रयोग किए जाते हैं, एक इसे मंगल रेखा कहा जाता है क्योंकि मंगल क्षेत्र से निकलती है, दूसरा इसे सहायक रेखा भी कहा जाता है। सहायक क्योंकि ये जीवन रेखा की सहायता करती है। अब ये क्या सहायता करती है कि ऐसा व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वो बीमार नहीं पड़ेगा, हो सकता है काफी रोगी रहता हो लेकिन उसे गंभीर रोग नहीं होंगे, और यदि उसे किसी प्रकार के गंभीर रोग हो जाते हैं तो फिर से ठीक हो जाता है। यह जीवन रेखा के संबंधित दोष जो होते हैं, यदि जीवन रेखा कहीं से टूटी हुई है तो उसके संबंधित जो समस्याएं हैं उनको दूर कर देती है। इसीलिए मंगल रेखा को जीवनदायिनी रेखा भी कहा जाता है कि जब भी ऐसा व्यक्ति संकट में होता है, प्राण उसके संकट में होते हैं, आघात हो गया, दुर्घटना का शिकार हो गया, तो फिर से जी उठता है। और इसीलिए इस रेखा को जिनके हाथों में हो उन्हें युद्ध जीवी कहा जाता है। युद्ध जीवी अर्थात युद्ध से फिर जी उठने वाले लोग। अब दूसरी अगर बात करते हैं कि यदि ये रेखा हाथ में हो तो इसमें एक और बड़ी बात जो रहती है, इस रेखा को देवदूत रेखा भी कहा जाता है। इसे इंग्लिश में गार्डियन एंजल कहा जाता है, एंजल गार्डियन, यानी एक देवदूत जो रक्षा करता है। तो ये ऐसी रेखा है जिनके हाथ में रहती है उन लोगों को आपत्ति काल में, जब उन्हें विशेष आवश्यकता रहती है, तो वो लोग उनका सहयोग करने कोई ना कोई जरूर आ जाता है और उन्हें उस मुसीबत से निकाल लेता है। तो जिन हाथों में ये रेखा जीवन के प्रथम पड़ाव से लेकर अंतिम तक रहती है, इन लोगों के पूरे जीवन काल में जब भी इन्हें आवश्यकता रहती है, इनके लिए कोई खड़ा हो जाता है। कभी कोई माता, कभी पिता, कभी भाई बहन, कभी पत्नी, तो कभी बच्चे, और कभी मित्र भी हो सकते हैं, कभी साथ काम करने वाले सहकर्मी भी हो सकते हैं, वो सब इनके सहायक के रूप में कभी ना कभी कोई ना कोई साथ अवश्य मिल जाता है, और इस तरह ये अकेले स्ट्रगल करने से बचे रहते हैं। कि जब भी इनकी विपत्ति की स्थिति होती है, जब इन्हें गंभीर रूप से किसी आघात या दुर्घटना का सामना करना पड़ता है, तो उस स्थिति में इनके सहयोग के लिए कोई ना कोई अवश्य आ जाता है। तो इसीलिए इसे देवदूत रेखा भी कहा जाता है। दूसरा, इसे सौभाग्यदायिनी रेखा भी कहा जाता है। यह सौभाग्य की रेखा भी मानी जाती है। सौभाग्य क्यों? ऐसा व्यक्ति अच्छी उन्नति करता है, पर इसका कारण अगर हम समझें कि जब भी इसे लगभग यूं समझिए कि जीवन रेखा को इसने दुगना कर दिया है, जीवन रेखा की क्षमता को दुगनित कर दिया है, दो जीवन रेखा जैसा फल हो गया है। अब ऐसी स्थिति में यदि
आपकी जीवनी शक्ति दुगनी हो तब का उत्साह साहस बहुत अच्छा होता है। तो ऐसी स्थिति में आप अच्छी तरक्की करेंगे, अच्छी प्रगति करेंगे। इसीलिए जिन हाथों में ये रेखा रहती है इन्हें सौभाग्यशाली हाथ कहा जाता है और माना जाता है ये लोग अच्छी तरक्की करते हैं। मैंने जिन भी हाथों में एक लंबी मंगल रेखा देखी है उन लोगों ने अच्छी तरक्की की है। हाँ, बस निश्चित बात है कि ये बाकी सब लक्षण भी हाथ के ठीक हों। हालांकि ये सामान्यतः बात देखी गई है कि मंगल रेखा केवल उन्हीं हाथों में दिखाई दी है, मंगल रेखा केवल उन्हीं हाथों में दिखाई दी है जिन रेखाओं में बाकी सब रेखाएं या बाकी सब लक्षण हाथ में बहुत शुभ होते हैं, इसीलिए कम ही हाथों में बहुत अच्छी मंगल रेखा दिखाई देती है। अब यदि मंगल रेखा छोटी रहती है तो जहां तक ये मंगल रेखा रहेगी वहां तक जीवन में अधिक सहयोग लोगों का प्राप्त होगा, आपको उस समय किसी ना किसी का सहयोग साथ आपको मिल जाएगा। लेकिन जब आपका समय आगे का निकलता है तो उस समय में आपको लोगों से सहयोग कम मिलता है यदि उसके लिए मंगल रेखा नहीं। लेकिन यह आवश्यक नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि उसके बाद एक अलग से मंगल रेखा शुरू हो गई हो, तो वो एक ऐसा भी एक हो सकता है अगर ऐसी रेखा दिखाई दे तो कोई और व्यक्ति जो पहले जीवन में न हो अचानक निकल आएगा और आपका साथ देना शुरू कर देगा। जबकि कुछ हाथों में आपको ये मंगल रेखा अधिक भी दिखाई दे सकती है, यानी कि एक मंगल रेखा फिर आपको दूसरी मंगल रेखा भी दिखाई गई फिर तीसरी भी। ऐसा होना भी निश्चित रूप से बहुत शुभ है क्योंकि ऐसे व्यक्ति के साथ एक से अधिक लोग पीछे खड़े रहते हैं, उसका सहयोग करते हैं और ये विशेष रूप से विशेष कृपा प्राप्त व्यक्ति है। इसे हम भाग्यशाली मान सकते हैं क्योंकि सदैव इसके लिए दो से अधिक लोग, एक से अधिक लोग इसको जीवनदायिनी स्थिति में लाने के लिए वापस खड़े रहते हैं। जब ये दुर्घटना में होता है, संकट में होता है, आपत्ति में होता है तो उसके साथ बहुत से लोग होते हैं। अब जैसे कि अगर हम अब बात करते हैं कि एक व्यक्ति की मंगल रेखा ऐसी है हाथ में और मैंने देखा कि उसके जो बच्चे हैं वो बचपन में जहां उसने उसको पालन पोषण किया है तो वृद्धावस्था में जब वो सक्षम नहीं है तो उसके बच्चे उसका बहुत पालन पोषण कर रहे हैं, बहुत अच्छे से उसका ध्यान कर रहे हैं और ये उन लोगों के हाथ में वृद्धावस्था में यहां जो मंगल रेखा है ये सहायक रेखा संतान की रेखा बन गई है, यानी कि यहां ये संतान के रूप में उनका सहयोग कर रही है। संतान हो सकती है, हाँ जरूरी नहीं है संतान हो, ये भाई बहन भी हो सकते हैं, ये पत्नी भी हो सकती है। हर वो व्यक्ति जब आपके जीवन को सहयोग कर रहा है वो मंगल रेखा से दिखाई देगा। तो ऐसे व्यक्ति को एक तो यही कि सहायक सदैव मिल जाते हैं। अब यदि मंगल रेखा सीधी ना जाकर शुक्र के क्षेत्र की ओर मुड़ जाए, हालांकि ऊर्ध्व रेखा है, ऊपर की ओर जाने वाली रेखा है तो शुभ तो है, लेकिन इसमें एक विशेष बात यह रहेगी कि मंगल से शुक्र को आ गई है बिना जीवन रेखा के गुण लिए हुए, तो ऐसा व्यक्ति काफी उत्तेजित हो जाने वाला, आक्रामक स्वभाव का होगा, जल्दी भड़क जाते हैं ऐसे लोग। तो यह रेखा निश्चित रूप से शुभ नहीं है उतनी जितनी कि यहां होना शुभ है। और यदि ये दोनों दिखाई दें तो उत्साह अधिक होगा। अब यदि आपको ये रेखा दिखाई दे किसी सैनिक के हाथ में, आपको मंगल रेखा दिखाई दे, मंगल नक्षत्र बहुत शुभ है, उस पर बहुत बुरी लाइनें नहीं है, बहुत ज्यादा आड़ी रेखाएं उस पर नहीं है, इस तरह की आड़ी रेखाएं नहीं है और मंगल नक्षत्र बिल्कुल साफ सुथरा है और उस पर आपको एक बिल्कुल बढ़िया स्पष्ट मंगल रेखा दिखाई दे, ऐसा व्यक्ति यदि सेना में है, पुलिस में है, तो इन लोगों को हम युद्धजीवी कहते हैं। युद्धजीवी अर्थात ऐसे व्यक्ति जब युद्ध में घायल हो जाते हैं, बुरी तरह से लगता है कि अभी नहीं बचेंगे, अचानक वो फिर से जी उठते हैं, तो इन्हें युद्धजीवी कहा जाता है। तो सैनिक के हाथ में ये रेखा या सैनिक के हाथ में ये रेखा ये भी शुभ है क्योंकि सैनिक के हाथ में ये रेखा उसकी आक्रामकता को दिखाती है और आक्रामकता किसी सैनिक के लिए बहुत शुभ होती है। अब यदि मंगल रेखा जीवन रेखा को काट रही हो, ऐसा आपको बहुत कम रेखा में हाथों में दिखाई देगा, लेकिन अगर मंगल रेखा आगे जाकर मुड़कर जीवन रेखा को काट दे ये निश्चित रूप से शुभ संकेत नहीं है, ऐसा बहुत कम हाथों में दिखाई देगा।
लेकिन यदि मंगल रेखा जीवन में आपको काट दे तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने जीवन में बहुत साथ दिया है एक समय पर जाकर आपके जीवन के लिए संकट या बाधा उत्पन्न करेंगे और इन्हीं की वजह से जीवन में दुख परेशानियां आ जाएंगी। जो लोग आपके सहायक होकर आपके पीछे खड़े रहे हैं वही आपके लिए समस्या पैदा कर देंगे या आपको किसी ऐसे विशिष्ट व्यक्ति से जो आपके जीवन से बहुत लंबे समय तक जुड़ा रहा है धोखा प्राप्त होगा, तो ये निश्चित रूप से शुभ नहीं है। और अगर ये रेखा आपको चंद्रमा के निचले हिस्से तक जाती हो और चंद्रमा के निचले हिस्से पर बहुत सी आड़ी रेखाएं इस तरह की हों तो आपके साथ जीवन में साथ लोग काम करने वाले सहायक लोग आपके आपको बुरी आदतों का शिकार बना देंगे और ऐसी स्थिति में आपकी जो जीवन है वो संकटग्रस्त हो जाएगा इन्हीं सहायक लोगों की वजह से। हालांकि ये रेखा कम ही हाथों में दिखाई देती है और ऐसा बहुत कम दिखाई देता है। तो मंगल रेखा के बारे में हमने जाना कि मंगल रेखा बहुत शुभ होती है, मंगल क्षेत्र से निकले या मंगल क्षेत्र की ओर से निकलती हुई दिखाई दे। यदि कोई रेखा यहां दिखाई दे रही है अभी मंगल के क्षेत्र से नहीं निकल रही है लेकिन इसे हम मंगल रेखा ही बोलेंगे। अगर किसी व्यक्ति के वृद्धावस्था में मंगल रेखा दिखाई दे तो यह भी शुभ है और यह मंगल रेखा ही है, जीवन रेखा के साथ साथ चलती हुई रेखा मंगल की ओर से आ रही है। कोई रेखा जिस ओर इशारा करती है वह उस क्षेत्र से निकली हुई मानी जाती है, यह आवश्यक नहीं है कि वो उस क्षेत्र से निकल कर आए, तो यह भी मंगल रेखा है। लेकिन इसमें विशेष बात क्या होगी कि आपको जीवन के प्रारंभिक पड़ाव में लोगों का सहयोग नहीं प्राप्त होगा, बाद में बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। अब यदि मंगल रेखा बहुत महीन, बहुत पतली और लहरदार सी हो, ऐसे बहुत पतली पतली मंगल रेखाएं आपको हाथ में दिखाई दे, अब ये मंगल रेखाएं कैसी हैं? ये मंगल रेखाएं आपको काफी हाथों में दिखाई देंगी। जो मंगल रेखा के वैशेषिक गुण हमने कहे हैं, जो मंगल रेखा के बहुत विशेष गुण हमने कहे हैं, वो इस मंगल रेखा को नहीं माने जाएंगे। ये मंगल रेखा निश्चित रूप से स्पष्ट नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में आते जाते तो बहुत लोग रहेंगे लेकिन उन्हें सहयोग कम का ही प्राप्त होगा। जब सहयोग का मामला आएगा तो पीछे लोग नहीं दिखाई देंगे। अब ये मंगल रेखा जो है ये शुभ नहीं है, कभी कभी हो सकता है इनका सहयोग प्राप्त हो जाए लेकिन सामान्य जब बड़े मामले होंगे तो ऐसे व्यक्ति अकेला महसूस करेगा, उसको ये सौभाग्यदायिनी रेखा नहीं है। यानी कि इस प्रकार की मंगल रेखा निश्चित रूप से बहुत शुभ मैंने हाथों में नहीं देखी। मंगल रेखा जितनी गहरी और स्पष्ट होगी उतना ही अच्छा होगा। हालांकि यदि सामान्य स्थिति में है, बहुत पतली भी होकर यदि साथ साथ स्पष्ट चल रही है और टूटी हुई बहुत नहीं है, बहुत पतली सी होकर साथ साथ चल रही है, बहुत पतली होकर साथ साथ चल रही है, टूटी हुई नहीं है, तो यह अपना फल बहुत अच्छे से देगी। तो हमने मंगल रेखा के बारे में तीन बातें विशेष पढ़ी हैं। एक ये सहायक रेखा है, दूसरा इसे सौभाग्य की रेखा माना जाता है, गार्डियन की रेखा माना जाता है, और जिनके हाथ में होती है वो व्यक्ति सौभाग्यशाली होंगे, प्रगति बहुत अच्छी करेंगे, बहुत उत्साही होंगे, बहुमुखी प्रतिभा इन लोगों में दिखाई देगी और ये लोग बहुत अच्छे भाग्य वाले होने के साथ साथ दूसरों का सहयोग प्राप्त करेंगे उस समय में जब इन्हें आवश्यकता होगी उसकी। तो अगर आपके हाथ में यह है तो यह बहुत शुभ है। इसके संदर्भ में, इसके जुड़े हुए यदि कोई प्रश्न आपके मन में है तो उन्हें कमेंट में लिखिए, मैं अगली वीडियो में उनके उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आपके प्रश्न मुझे आगे की वीडियो बनाने के लिए मार्ग दिखाएंगे, तो आपके प्रश्न महत्वपूर्ण है, आप प्रश्न कीजिए, आवश्यकता रही तो मैं वहीं पर उत्तर दूंगा अन्यथा अगली वीडियो में आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।